हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स में। दोस्तों, हमारी दुनिया में कई सभ्यताएं आई और लुप्त हो गईं। धरती की शुरुआत से जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, इंसान विकसित होता गया। हमारी आम धारणा तो यही है, लेकिन ये बात सच नहीं है। हमसे पहले भी एक से बढ़कर एक उन्नत और विकसित सभ्यताओं का अस्तित्व था। जैसे द्वारिका, श्री कृष्ण की इस नगरी की खोज पानी के अंदर हो चुकी है, जो किसी कारण पानी में डूब गई थी। और ऐसा ही एक शहर था अटलांटिस। पानी हमारी धरती का सबसे बड़ा हिस्सा है, जहां खोए हुए शहर, लुप्त खजाने, रहस्यमयी जहाज और चमत्कारी जीव जंतु के अनसुलझे रहस्य मौजूद हैं। इन रहस्य में सबसे पहला नाम आता है अटलांटिस शहर का। आज से 2300 वर्ष पहले एक मशहूर ग्रीक फिलोसफर प्लेटो ने अटलांटिस के बारे में लिखा था। प्लेटो के अनुसार ये शहर आज से 11,300 वर्ष पहले मौजूद था और एक दिन ये पूरा का पूरा पानी में समा गया। ये शहर बेहद उन्नत और विकसित था। कहा जाता है ये शहर इतना खूबसूरत था जैसे धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। इस शहर में आधे इंसान और आधे देवी देवता रहा करते थे। ये शहर दरअसल एक द्वीप था जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ था। यहाँ के लोग आत्मनिर्भर थे और यहीं खेती करते थे और एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतों का निर्माण भी करते थे। यहाँ की इमारतें काले और लाल पत्थर से बनाई जाती थी और साथ ही ये लोग सभी तरह के मेटल्स के बारे में भी जानकारी रखते थे और इनका इस्तेमाल भी करते थे। माना जाता है यहाँ के लोग तारामंडल से 50,000 साल पहले आए थे और वो इस ग्रह के नहीं थे। वो आज के इंसान से कहीं ज्यादा लंबे, गोरे और खूबसूरत थे। इनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां भी थी। वो मौसम और ज्वालामुखी को नियंत्रित कर सकते थे और उनकी औसत उम्र 800 साल होती थी। उनके पास एक ऐसा यंत्र भी था जिसके जरिए वो टाइम और स्पेस से ऊर्जा प्राप्त कर सकते थे। मान्यताओं के अनुसार इस शहर का निर्माण ओसाइडन ने किया था, जो ग्रीक माइथोलॉजी में समुद्र के देवता माने जाते हैं। ओसाइडन एक बार सबसे बड़े द्वीप की खोज में थे। तभी उन्हें एक द्वीप मिला जहां बेहद खूबसूरत लोग रहते थे। वहां एक खूबसूरत महिला भी रहती थी जिसका नाम था क्लीटो। ओसाइडन को उस महिला से प्यार हो गया और उन्होंने उस बंजर द्वीप में भव्य शहर का निर्माण किया। ये शहर क्लीटो के लिए बनाया गया था और उसका नाम अटलांटिस रखा गया। इसके बाद ओसाइडन को क्लीटो पर शक होने लगा। उसे दुनिया से दूर रखने के लिए ओसाइडन ने क्लीटो को एक पहाड़ पर कैद कर दिया। वैज्ञानिकों के सामने सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि इस शहर की लोकेशन कहाँ हो सकती है। ये माना जाता है कि ये शहर किसी बड़े भूकंप या सुनामी की वजह से समुद्र में समा गया था। प्लेटो के अनुसार ये शहर अटलांटिक ओशियन की गहराइयों में होना चाहिए और कुछ एक्सपर्ट की राय है कि ये शहर स्पेन के पास मौजूद है। कुछ एक्सपर्ट्स की खोज के अनुसार ये शहर अंटार्कटिका के बर्फीले क्षेत्र में छुपा हो सकता है। आज तक इस सिटी की लोकेशन एक रहस्य ही बनी हुई है। एडगर केसी, जो भूतकाल और भविष्य में होने वाली घटनाओं को प्रत्यक्ष रूप से देख सकते थे, उन्होंने लगभग 15,000 ऐसी भविष्यवाणियां की हैं जो सच साबित हुई हैं। एडगर केसी ने अटलांटिस के बारे में भी वर्णन किया है। केसी ने लिखा कि अटलांटिस एक बेहद उन्नत सिविलाइजेशन थी। एडगर के अनुसार गिमिन दरअसल अटलांटिस के पहाड़ों में से एक है। एडगर ने बताया कि आज से करीब 12,000 वर्ष पहले समुद्र का लेवल आज से 300 फीट नीचे था और बहुत सारा भूभाग जो आज पानी के नीचे है वो दरअसल विशाल द्वीप थे। एडगर के अनुसार टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करने की वजह से अटलांटिस तबाह हो गया। अटलांटिस में रहने वाले कुछ लोग
मिस्र भी चले गए थे और वो अपने साथ आधुनिक तकनीक भी ले गए थे। उन्हें पता था कि अटलांटिस तबाह होने वाला है। अर्जेंटीना में एक व्यक्ति का ये दावा था कि वो अटलांटिस शहर में रह चुका है और उनका अगला जन्म अर्जेंटीना में हुआ है। जब वो 3 वर्ष के थे तभी से उन्हें पिछले जन्म की झलकियां दिखाई देने लगती थी और जब वो 12 वर्ष के हुए तब उन्हें पूरी तरह से अपनी अटलांटिस में बिताई हुई जिंदगी याद आ चुकी थी। वो इन यादों को ड्राइंग के जरिए प्रदर्शित करते थे और अपनी माँ को दिखाया करते थे। उनका कहना था वो इजिप्ट में अटलांटिस की एक कॉलोनी में रहा करते थे। उन्होंने ये भी बताया कि अटलांटिस को दूसरी दुनिया से आए लोगों ने 3000 साल पहले बनाया था। अटलांटिस की पहली कॉलोनी अटलांटिक ओशियन से मेडिटेरियन समुद्र तक फैली हुई थी। उस समय 12 ऐसे परिवार थे जो पूरी दुनिया पर राज किया करते थे। उस काल में महिलाएं राज किया करती थी और उस समय का पूरा ज्ञान पानी, बर्फ और क्रिस्टल में रिकॉर्ड किया जाता था। अटलांटिस के रहस्य को आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। क्या सचमुच अटलांटिस जैसा कोई शहर मौजूद था? कुछ एक्सपर्ट इसके अस्तित्व को पूरी तरह मानते हैं तो कुछ इसे एक कहानी समझते हैं। लेकिन ऐसे शहर दुनिया में जरूर रहे होंगे जो अद्भुत और अकल्पनीय थे। दोस्तों, आपको अटलांटिस शहर की रहस्यमयी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे फिर मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। ऐसे ही नए फैक्ट्स को जानने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और जुड़े रहें लेट्स टॉक अबाउट ट्रू फैक्ट्स के साथ।